अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां न्यायालय ने हत्या के आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 27/5/2016 गढ़ पुलिस थाना अंतर्गत सोनवर्षा गांव के हरजन बस्ती में रात्रि के 9 बजे के करीब आरोपी संतोष साकेत और लवकुश साकेत ने लाठी डंडे से रामकृपाल के साथ मारपीट की, जिससे रामकृपाल को गंभीर चोटें आई हैं। रामकृपाल द्वारा स्वयं आरोपी संतोष साकेत और लवकुश साकेत के खिलाफ अपराध दर्ज कराया गया और उपचार के दौरान रामकृपाल की मृत्यु हो गई, जिस पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध गुड़ थाने में पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और विचारण हेतु प्रकरण चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रीवा राकेश शर्मा के न्यायालय में पेश किया गया। विचारण पश्चात आरोपी गण को हत्या के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया गया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार ने पैरवी की थी। मामला अभियोजन कहानी के अनुसार ये है कि गढ़ थाना अंतर्गत सोनवर्षा गांव पड़ता है। सोनवर्षा गांव में हरजन बस्ती है। हरजन बस्ती में राम कृपाल साकेत नाम के एक व्यक्ति रहते थे और दिनांक 27/5/16 को अभियोजन कहानी के अनुसार संतोष साकेत और लवकुश साकेत दो इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। उनके अभियोजन के अनुसार 27/5/16 को लाठी डंडा और फाड़ुए का बेंट लेकर ये लोग रामकृपाल साकेत के घर में गए रात को 8:30-9 बजे के करीब, और घर में जाकर रामकृपाल साकेत के साथ इन्होंने मारपीट की और मारपीट से इनको शरीर में रामकृपाल के शरीर में काफ़ी गंभीर चोटें हैं, और जिसकी शिकायत खुद रामकृपाल साकेत ने गढ़ थाना अंतर्गत की, जिस पर अपराध क्रमांक 126/16 में मामला दर्ज हुआ। रामकृपाल साकेत को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। 2 तारीख को उपचार के दौरान रात्रि में इनका देहांत हो गया, 2/5/16 और 3/6/16 को पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम ये पाया गया कि रामकृपाल की जो मृत्यु हुई है वो मारपीट से आई चोटों की वजह से हुई। उस पर 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया आरोपी संतोष साकेत और लवकुश साकेत के विरुद्ध सोनवर्षा के गढ़ थाना अंतर्गत, और गिरफ्तार किया जाकर मामला पेश किया गया है माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ। उसके बाद केस को कमिट किया जाकर माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय रीवा के न्यायालय में ट्रायल के लिए पेश किया गया। ट्रायल के पश्चात जो है आज जो है मामले में माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री राकेश शर्मा जी के द्वारा आरोपी लवकुश साकेत एवं संतोष साकेत को सभी आपराधिक धाराओं में 302-304 में दोष मुक्त घोषित कर दिया। क्या इसमें पुलिस की पूरी लीपापोती की गई थी एफआईआर के दरमियान? इसमें पुलिस का जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामकृपाल साकेत ने जो घटना है 27/5/16 को, उस दिनांक को इन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जाके थाने में। उस रोड रिपोर्ट को उन्होंने 27 को दर्ज न करके रोजनामचे में मात्र दर्ज किया, और रोजनामचे में दर्ज करने के पश्चात उसको एफआईआर के रूप में कन्वर्ट नहीं किया, और उस रोजनामचे का मूल जो है गवाही के समय पेश नहीं किया गया कि रामकृपाल साकेत ने जो घटना है 27/5/16 को, उस दिनांक को इन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जाके थाने में। उस रोड रिपोर्ट को उन्होंने 27 को दर्ज न करके रोजनामचे में मात्र दर्ज किया, और रोजनामचे में दर्ज करने के पश्चात उसको एफआईआर के रूप में कन्वर्ट नहीं किया, और उस रोजनामचे का मूल जो है गवाही के समय पेश नहीं किया गया, और रिपोर्ट जब उसकी 2 तारीख को जब वो मृत्यु हो जाती है तब एफआईआर कन्वर्ट होती है 302 के रूप में दर्ज की जाती है एफआईआर के रूप में। 3 दिनों तक पुलिस ने लापरवाही की गैप किया, ये लापरवाही पुलिस की मानी जाएगी, और पोस्टमार्टम और मुलहजा फार्म भरते समय, पोस्टमार्टम का मुलहजा पहले जो मुलहजा फार्म भरा जाता है उपचार के लिए जीवित अवस्था में, उस समय जो चोटें लिखी गई पुलिस द्वारा आहत के जो बाद में मृतक हो गया, उसकी चोटें और पीएम में जो चोटें पाई गई थी उसकी चोटों में भिन्नता पाई गई, तो कोर्ट ने ये माना कि जब घायल उपचार करा रहा था तब वो चोटें मौजूद नहीं थी, तो पोस्टमार्टम के समय वो चोटें कहाँ से आ गई। ये सब विरोधाभास मामले में आए हैं, और घटना के आई विटनेस जो राम किशोर उसका भाई था राम किशोर साकेत, और उनके सविता साकेत उनके घर की बहू थी, ये घर के आई विटनेस बनाए गए थे, इनको कोर्ट ने रिलाई नहीं किया है, और खुद मुलजिम ने 315 के तहत सीआरपीसी का प्रोविजन है 315 में
उसमें खुद गवाह बनकर हाजिर हुआ था, उसने एक रिपोर्ट पेश की थी कि हमारी रंजिश चलती है इन लोगों से, और रंजिश बस हमको इस मामले में इन्वॉल्व किया है, और उस वजह से न्यायालय ने यह माना है कि इस मामले में आरोपी का मारपीट नहीं की गई है, इनको चोट किसी और वजह से आई है।